आर्थराइटिस नी के बारे में आज हम कुछ जान लें। घुटने का आर्थराइटिस, ये उम्र के साथ जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ता है, जिस तरह एक गाड़ी का पहिया घिसता है उसी तरह हमारे घुटने में जो कार्टिलेज की परत होती है वो घुसती है, वो घिस जाती है। उसके घिसने के कारण घुटने में दर्द चल जाता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, पर सबसे आम जो उम्र बढ़ने के कारण होता है उसको डीजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। इसका कारण उम्र के साथ नी का घिसना होता है। इसमें और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे गाठिया रोग, गाउट, कोई इन्फेक्शन, पर अगर बाकी सब चीज़ नॉर्मल है तो ये पुरुषों में लगभग 50-55 की उम्र के बाद और महिलाओं में 45 की उम्र के बाद होता है। इसमें चलते समय दर्द होता है और जनरली घुटना मोड़ना या सीढ़ी चढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। इस शुरुआत इसकी हल्के दर्द से होती है जो घुटने के अंदर की तरफ होता है, पर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसके बहुत सारी स्टेजेस होती है। जैसे पहली स्टेज ये घुटने का मॉडल है जिसमें ये नीला परत कार्टिलेज की परत है जो स्वस्थ है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसमें घिसाव आ जाता है और ये घिस जाता है, लालिमा हो जाती है, जिस तरह गाड़ी का टायर घिसता है, और बढ़ता है। फिर और बढ़ने के बाद इसमें पूरा लग जाता है, इसके बाद हमको घुटना बदली करवाना पड़ता है। इसके लिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका प्राइमरी चेकअप करेगा और कुछ टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे अगर कोई और गाठिया तो नहीं, वो देखने के लिए, और उसके बाद आपका एक्सरे कराएंगे। एक्सरे में ये बाहर का साइड है और दूसरी तरफ अंदर का साइड है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये अंदर का साइड में हड्डी एक दूसरे के बहुत पास आ गई है और ये आर्थराइटिस है, घिसा हुआ घुटना है। इसका उपचार क्या है? इसका उपचार बेसिकली शुरू में तो आपको कुछ कसरतें बताई जाएंगी, नी कैप पहनने को दिया जा सकता है, अगर आपका वजन ज़्यादा है आपको वजन कम करना है, और बताई गई कसरतों को रोजाना करना है। यदि उसके बाद भी ठीक नहीं होता तो बहुत सारे टाइप के इंजेक्शन आते हैं जो घुटने में लगते हैं, उसमें कुछ सस्ते भी रहते हैं, कुछ विस्को सप्लीमेंट्स होते हैं जो नकली रूप से बने हुए घुटने के साइनोवल फ्लूड होते हैं, वो थोड़े महंगे भी आते हैं। उसके बाद भी नहीं ठीक होता तो बोन्स को साइड से कट किया जाता है, जैसे हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी या प्रॉक्सिमल फिब्युलर ऑस्टियोटॉमी। उसके बाद भी नहीं ठीक होता तो बहुत सारे टाइप के और भी सर्जरी से आधा घुटना परिवर्तन या फिर पूर्ण घुटना पर प्रत्यारोपण, विभिन्न प्रकार के इसमें उपचार उपलब्ध हैं। लंबे समय तक गोली खाना इसमें बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक गोली खाने से और भी कई नुकसान हो जाते हैं, इसलिए अच्छा है कि आप अपने डॉक्टर से शीघ्र ही संपर्क करें।